इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। दिल्ली की सीमाओं पर लगाई गई बैरिकेडिंग चर्चा का विषय बन गई है, साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाली भी। विपक्ष को भी केंद्र सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। कई लेयर भी की जा रही है यह बैरिकेडिंग की तुलना। दो देशों के बीच सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाने वाली बैरिकेडिंग से की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी ने तस्वीर साझा करते हुए सरकार को घेरा है। दिल्ली पुलिस को हाल ही में जो लोहे की लाठियां दी गई हैं, वह भी किसी युद्ध सरी की तैयारी की तरफ ही इशारा कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 22 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती दिख रही है। इसके साथ ही कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद उसमें कटीले तारों को भी लगाया गया है। इसके बाद कई लेयर में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। प्रियंका ने इसके कैप्शन में लिखा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। इससे पहले प्रियंका ने कहा कि किसान आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, कई जगह इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भाजपा की केंद्र सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है। इसी क्रम में नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खासे आक्रम हैं। राहुल ने दिल्ली की सीमाओं पर लगाई गई फोर्स वे उनकी तैयारियों की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। बता दें कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना के बाद एक बार की लगा था कि यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय भी भाकियू नेता राकेश टिकैत के भावनात्मक भाषण ने आंदोलन को नई जान दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बागपत आदि जिलों में जिस तरह किसानों ने पंचायत की और जितनी उनमें भीड़ जुटी, उसने सरकार व प्रशासन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली से सटे गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां कटीले तार, बॉर्डर और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। सीमाएं इलाकों में सघन तलाशी की जा रही है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस पर भाकियू नेता राकेश टिकैत भी मुखर हो गए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसान उनसे एक फोन कॉल की दूरी पर है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के रास्ते में बैरिकेडिंग के साथ ही कीले लगाई जा रही हैं, वह भी तब जब उनकी उन्हें दिल्ली जाना भी नहीं है। जितने रास्ते बंद किए जाएंगे, उतना ही पता चलेगा कि पब्लिक के रास्ते में कौन बाधा पहुंचा रहा है। 6 फरवरी को आह चक्का जाम के दौरान किसी आम जन को परेशान नहीं किया जाएगा। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आहूत किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई ताजा खबरों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।